सुबह के बज रहे हैं 3 और इस समय हमें जबलपुर में पेंटी नाका पे आप देख सकते हैं पीछे, और काफ़ी लंबे समय बाद एक नई जर्नी की शुरुआत करने जा रहे हैं हम। मेरे साथ है मेरे भांजे ऋषिकेश। ऋषिकेश बताएंगे कि हम कहाँ जाने वाले हैं। कहाँ जाने वाले ऋषिकेश? हे गाइस, आज अपन जाने वाले हैं अमरकंटक। देखते हैं आगे वीडियो में। और आज की हमारी जर्नी स्पेशल है, जो कि सिटी 100 से होने वाली है, जबलपुर से अमरकंटक के लिए। सुबह के बज रहे हैं 5:30 और अब सुबह हो चुका है। यहाँ रास्ता ख़राब है, यहाँ पुल का काम चल रहा है अभी। आशा करते हैं आगे का रास्ता सही होगा। आज 15 अगस्त है और आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सुबह के बज रहे 6 और हम पहुंच चुके हैं सैपुरा। कैमरे से आपको दिखाते हैं सैपुरा, तो चाय वाय पी लेते हैं। 15 रुपये की चाय थी, चाय अच्छी थी, एवरेज में थी चाय। और अब अमरकंटक पहुंचने वाले हैं। काफ़ी अच्छा रूट है, वेदर अच्छा हो रखा है, ग्रीनरी बहुत गजब की है। सो गाइस, अमरकंटक पहुंचते हैं। इतनी ज़्यादा संख्या में पेड़ों की कटाई, ये डिस्ट्रिक्ट डिंडोरी है, एमपी का डिंडोरी ज़िला है ये, और यहाँ बहुत ज़्यादा पेड़ों की कटाई। हम तो वीडियो में क्रॉस हो गए ना, आगे निकल गए, तो बहुत ज़्यादा पेड़ों की कटाई। और यहाँ पे हमने अमरकंटक में एंट्री ले लिया है, और ग्रीनरी गजब की है यहाँ पे। इसे एक तरीके से मिनी उत्तराखंड भी कहा जा सकता है। गाइस, मज़ा बहुत तेज आ रहा है। मिनी उत्तराखंड कह सकते हैं आप इसको। ये हमारी बाइक बढ़ते हुए पेट्रोल के दाम के चलते सिटी 100 बेस्ट ऑप्शन है। और जैसे लोग इस गाड़ी को समझते हैं वैसी ये है नहीं। मैं और मामा 250 किलोमीटर को लगातार कंटिन्यू चला के आ रहे हैं, और सिर्फ 500 रुपये के पेट्रोल में 250 किलोमीटर आए हैं। ऐसा ये शायद 2 रुपये या फिर 1.5 रुपये प्रति किलोमीटर चलती है। एक बार आप यहाँ का व्यू देखिए। और अब हम अमरकंटक पहुँच चुके हैं। अभी हम पहले जा रहे हैं, सबसे पहले जा रहे हैं कपिल धारा, और कपिल धारा पहुँच के कपिल धारा का आपको व्यू दिखाते हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं कपिल धारा। कपिल धारा पवित्र नर्मदा नदी का पहला वाटरफॉल है। यह नर्मदा नदी के उद्गम स्थल से उत्तर पश्चिम दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे एक तरीके से माना जाए तो मिनी उत्तराखंड है। और ये ऋषिकेश, और यहाँ कपिल धारा के पास ही कपिल मुनि का आश्रम है। और ये जो जलप्रपात है, 100 फीट की ऊँचाई से मेकल की पहाड़ियों से नीचे गिरता है। ये सीढ़ियों से नीचे जाना पड़ता है। वाटरफॉल देखिए यहाँ क्या गजब का। नीचे से यह वाटरफॉल काफ़ी देखते ही बनता है। प्रकृति का सौंदर्य से भरपूर यह वाटरफॉल काफ़ी अच्छा लगता है नीचे से। और ठीक इसके आगे थोड़ा सा आगे जाने पे दुग्ध धारा वाटरफॉल है, जो कि नर्मदा नदी का दूसरा वाटरफॉल है, जो कि दूध के समान दिखाई देता है। नर्मदा का जल यहाँ पर दूध के समान दिखाई देता है। अभी हम जा रहे हैं दुग्ध धारा मार्ग पर। यार, जिन जिन को भी उत्तराखंड अच्छा लगता है ना, एक बार ज़रूर आए यहाँ पे, बहुत अच्छी जगह है। ये गजब की जगह है यार, मैं तो यही कहूँगा कि ज़रूर आए। तो ये अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट एमपी और छत्तीसगढ़ के बीच में है, बॉर्डर शेयर करता है ये। दुग्ध मार्ग अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अद्भुत। और आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो भी आ सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए आगे भांजे ऋषिकेश, दो दो हेलमेट लगा करके आगे जाते हुए ये देखिए। और यहाँ पहुँच चुके हैं हम लोग दुग्ध धारा वाटरफॉल, जो कि नर्मदा नदी का दूसरा वाटरफॉल है। यार, देख करके आए कि नहा ही लें यहाँ पे, बस नहाने का तो बहुत मन कर रहा है। कपिल धारा का एक हिस्सा डिंडोरी ज़िले के करंजिया ब्लॉक में आता है, और दूसरा छोर अमरकंटक जिला अनूपपुर में आता है। क्या जगह है ये नर्मदा जी, जो है छोटे छोटे वाटरफॉल बनाती हुई निकलती है जंगलों से।
ये मिनी उत्तराखंड है और उत्तराखंड में मिनी ऋषिकेश। आप आना चाहो तो एक बार जरूर आओ, जिंदगी में एक बार तो जरूर आओ यहाँ पे। अभी मैं अंदर गया था गुफा के अंदर, तो जैसे कि बाबा का इंटरव्यू लिया, तो इंटरव्यू लेने के बाद मैं अंदर गुफा अंदर तक है।